आज हम लोग महत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताया था, उसको समझ गए होंगे आप लोग। और आज बच्चों हम महत्तम समापवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महत्तम समापवर्त कहते किसे हैं? तो महत्तम समापवर्त भी लघुत्तम समापवर्त की तरह दो या दो से अधिक संख्याओं का हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि महत्तम समापवर्त जिसको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, जो मतलब कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो सब में समान रूप से बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक दो हो या दो से अधिक संख्या हो। जैसे हमने कोई दो संख्या ले ली या दो से अधिक हो सकती, तीन चार पांच छह सात आठ दस जितनी हो उतनी, का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है, कौन संख्या है, जिसे दी गई संख्याओं में भाग देने पर, दी गई संख्याओं में भाग देने पर कहने का मतलब हुआ जो यहाँ पे हमने से उदाहरण के लिए लिया है 12 36 48, तो इसमें दी गई संख्याओं में भाग दिया जाए, मतलब 12 में भी भाग दिया जाए, 36 में भी भाग दिया जाए और 48 में भी भाग दिया जाए, तो वह संख्या कौन सी होगी बड़ी से बड़ी जो कि इन तीनों में भाग देने पर क्या करे, शेष फल शून्य बचे, मतलब भाग पूरा का पूरा चला जाए, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जो महत्तम समापवर्तक आता है उसको पहचानने के लिए हमारा सवाल लग रहा है, छोटे बच्चे हैं हमको मालूम नहीं है, मान लीजिए कहीं गलत हो गया तो हम कैसे पता करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक का एक बात हमको पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसमें सबसे बड़ी संख्या से छोटा आता है, मतलब जब भी आएगा 12 36 48 का महत्तम समापवर्तक वो 48 से छोटा आएगा, किससे छोटा आएगा, 48 से छोटा आएगा। और दूसरी बात कि महत्तम समापवर्तक किसी संख्या का शून्य नहीं हो सकता। कभी कभार लड़के लिखते हैं सर जी ने कहा कि जो सब में समान रूप से सम्मिलित संख्या है उसको निकाल देना, कोई संख्या सम्मिलित नहीं निकली तो हमने लिख दिया महत्तम समापवर्तक शून्य है, तो शून्य महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। क्यों, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कि 10 और 12 का महत्तम समापवर्तक बताइए, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10 एकम 10, 12 का करेंगे तो 2 दूनी 4 या 12, तो इसमें क्या, इसमें तो 2 कॉमन मिल गया तो मौसम पे क्या, इसमें 5 इसमें 5 नहीं, इसमें 3 इसमें 3 नहीं, तो खाली 2 कॉमन आया और 1 कॉमन आया, तो 1 और 2 कॉमन आ गए इसलिए मौसम पर इससे क्या हो गया, मौसम पर बराबर हो गया 2। और मान लीजिए ऐसी कोई संख्या दे दी गई, जैसे हमने उदाहरण स्वरूप एक संख्या ले ली कि 8 है और 25 है, 8 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8 और 25 का होगा 5 × 5 × 1, तो इसमें क्या हुआ, इसमें न 5 ऊपर वाले में सम्मिलित है न 2 नीचे वाले में सम्मिलित है, लेकिन 1 गुणनखंड के रूप में हमेशा सम्मिलित है, तो जब कोई सम्मिलित नहीं होगा तो मौसम पर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी बात ध्यान देने की है कि मौसम पर का मान कभी शून्य नहीं होता है, जब कोई संख्या सम्मिलित नहीं होती है तो महत्तम 1 हो जाता है। और तीसरी बात, महत्तम समापवर्त कभी भी सबसे छोटी वाली संख्या के मान के बराबर हो सकता है, उससे छोटा आने की संभावना रहती है, 1 हो सकता है या सबसे बड़ी छोटी संख्या के मान के बराबर हो सकता है। जैसे जैसे हम इसका अगर 12 36 48 का करें तो 12 का करेंगे तो 2 दूनी 4 किया 12, 36 का किए 2 दूनी 4 किया 12, 12 किया 36, फिर 48 का किए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 किया 48 × 1 × 1, महत्तम की अवस्था में हमेशा लिखा जाएगा क्योंकि कोई भी जब कॉमन नहीं मिलेगी संख्या तो 1 को कॉमन के रूप में हम निकाल दें। अब हम लगाएंगे कैसे, यहां लिखेंगे मौसम पर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 2 2 यहाँ पे 1 2 हो गया, फिर तीनों में फिर एक बार 2 है तो फिर एक बार 2 हो गया, फिर एक बार 3 है दोनों तीनों में तो एक बार 3 हो गया, अब फिर 1 समान रूप से सम्मिलित तो 1 हो गया, तो
इसका महत्तम समाप्त अर्थ हो गया दो दूनी के चार किया 12। 12 मान जो है महत्तम समाप्त हो गया, कहने का मतलब 12 वह संख्या है। मान लीजिए 3 बाल्टी में दूध भर के रखा गया है, एक में 12 लीटर है, एक में 36 लीटर है, एक में 48 लीटर, तो महत्तम समाप्त अर्थ क्या होगा? अगर हम उसको कह दिए कि एक बड़ा से बड़ा मपना बताओ, मपना मतलब मापने वाला यंत्र बताओ, मग्गा बताओ, जिससे कि समान संख्या में हम बाहर दूध को नाप सके और दूध भी ना बचे, तो सबसे बड़ा डिब्बा जो होगा 12 लीटर का होगा। उससे अगर नापेंगे तो एक बार में इसको नाप देंगे, 3 बार में इसको नाप देंगे और 4 बार में इसको नाप के हम क्या करेंगे, दूध को अलग रख देंगे। यानी बड़े से बड़े मापने की माप जो होगी क्या होगी, 12 होगी। एक है भाग विधि, ये तो गुणनखंड विधि थी। भाग विधि में हम क्या करते हैं, भाग विधि से महत्तम समापवर्त निकालने की विधि होती है कि सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी वाली से हम भाग देते हैं। 48 में हम 36 से भाग दे दिए, 36 का भाग गया एक बार, 36 एकम 36। यहां ध्यान दीजिए, ये घटाएंगे, यहां 2 बचा, यहां पे 1 बचा। अब 12 का हम क्या करेंगे, अब यहां जो संख्या लिखी थी इसको यहां बीच में लिख लेंगे, 12 की यहां 36, ये पूरा का पूरा भाग चला गया। जाने के बाद 3 बार में ये भाग गया है, अब जो आया 48 और 36 का महत्तम 12 आ गया। अब तीसरी संख्या से इसका महत्तम निकालेंगे तो तीसरी संख्या 12 में 12 का भाग देंगे, तीसरी संख्या हमारे पास 12 है, 12 एकम 12, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब मौसम पर क्या होगा, आखिर किससे पूरा तीनों संख्या कटी है, 12 से कटी है, इसलिए महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमको लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग सवाल लगाइएगा घर पे, अभ्यास करिए इसको, जब इसको बार बार देखेंगे अभ्यास करेंगे आपको समझ में आ जाएगा।